आज आपके साथ Realme Oppo डिवाइस के लिए iOS 17 थीम शेयर करूंगा। ऑब्वियसली ये एक कॉन्सेप्ट थीम है क्योंकि iOS 17 अभी तक ऑफिशियली रिलीज नहीं हुआ है। तो क्या क्या इस थीम का फीचर है, कहाँ से इसको डाउनलोड करके Realme Oppo फोन पर अप्लाई कर सकते हो, सारे बात हम वीडियो पर करेंगे। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना क्योंकि हम इस टाइप के वीडियो ही डालते हैं। फीचर्स की बात करूँ तो iOS 16 से 17 पर आपको जो चीज पहले नोटिस होगा वो है आइकॉन पैक। बहुत सारे लीक्स और रूमर्स के मुताबिक इस साल का जो iOS 17 आने वाला है उसके अंदर एप्पल कुछ इस तरह 3D स्टाइल का आइकॉन डाल सकते हैं। वैसे ये नया कोई आइकॉन्स नहीं है दोस्तों, एप्पल कंप्यूटर का OS यानी मैक OS के अंदर ये आइकॉन्स बहुत सालों से है। नोटिफिकेशन पैनल देख सकते हो ओरिजिनल iOS का कंट्रोल सेंटर जैसा ही है, लेकिन इसको अलग से अप्लाई करना होगा, थीम के साथ ये नहीं मिलेगा। कैसे अप्लाई करना है वो वीडियो पर बता दूंगा, वीडियो को एंड तक देखते रहिए। सेटिंग पैनल का लुक iOS 16 से ज्यादा अलग नहीं है, ऑलमोस्ट एक जैसा ही आपको देखने को मिलेगा। सेटिंग पैनल का आइकॉन्स iOS 17 पर देखने में कैसा होगा उसके कोई लीक्स अभी तक नहीं आया, इसलिए इसको मैं चेंज भी नहीं कर पाया। ओ डायलर की बात करूँ तो ये भी iOS की तरह चेंज हो जाएगा, तो अगर आप गूगल डायलर नहीं बल्कि ओ डायलर यूज करते हो ये एक एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिल जाएगा। लॉक स्क्रीन को आप काफी अच्छा कस्टमाइज कर सकते हो, उसके लिए आपको लॉक स्क्रीन पर 2 सेकंड प्रेस करके रखना है, देन कोई भी एलिमेंट पर टैप करके आप काफी अच्छा कस्टमाइज कर पाओगे। देन वॉलपेपर चेंज करना हो तो इस वॉलपेपर बटन पर टैप करना है और इस पर टैप करके आप 2 अलग अलग वॉलपेपर इधर से अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके फोन में अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है तो उसका लुक और एनिमेशन भी चेंज हो जाएगा जैसे कि आप देख पा रहे हो। इस थीम को डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल पर सर्च करना है iOS थीम फॉर रियलमी या फिर iOS थीम फॉर ओप्पो। देन नंबर 1 पर जो वेबसाइट आपको मिलेगा उसके अंदर आइए, ये हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है और इस आर्टिकल के अंदर ही आपको जो iOS 17 वाला थीम है उसका डाउनलोड लिंक मिल जाएगा। डाउनलोड करने के बाद आपको इस तरह एक फाइल मिलेगा। मेरे इस फोन में एंड्रॉइड 13 है तो मैं एंड्रॉइड 13 वर्जन डाउनलोड किया था। आपके फोन में जो भी एंड्रॉइड वर्जन होगा उसके अनुसार डाउनलोड कर लेना। अभी इसे अप्लाई करने के लिए थीम को सिलेक्ट करके सेंड ऑप्शन पर जाना है, देन इधर आपको थीम स्टोर दिख जाएगा उसको सिलेक्ट करना है। फ्री ट्रायल का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, उस पर टैप करके इस थीम को आप अप्लाई कर पाओगे। थीम अप्लाई करने के बाद आपको इस तरह iOS जैसा डॉक नहीं मिलेगा। अगर आपको ये चाहिए तो आई बटन पर एक वीडियो का लिंक डाल दूंगा जिस पर मैं डिटेल्स में बताया कैसे आप अपने किसी भी वॉलपेपर पर जो ये iOS स्टाइल का डॉक है उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो, वो भी मोबाइल यूज करके। तो आप वो वीडियो देख के आसानी से ये जो डॉक है वो अपने फोन पर अप्लाई कर पाओगे। ओरिजिनल iOS का कंट्रोल सेंटर थीम अप्लाई से नहीं आएगा, इसको लाने के लिए प्ले स्टोर से आपको आई लॉन्चर को इंस्टॉल करना है। इसका डाउनलोड लिंक आपको पिंट कमेंट पर मिल जाएगा, देन इसके अंदर आना है और कुछ परमिशन वगैरह ये मांगेगा, सब कुछ अलाउ करना है। उसके बाद टैप करना है कंट्रोल सेंटर पर, देन इधर भी आपको 4-5 अलग अलग परमिशन देना होगा, सारे परमिशन दे दीजिए। देन एनेबल कंट्रोल सेंटर पर टैप करते ही आपका कंट्रोल सेंटर आ जाएगा। अभी स्टेटस बार के राइट साइड में जैसे कि आप देख पा रहे हो एक निशान आ गया है, अगर आप इधर से ऐसे स्वाइप करोगे तो जो iOS का कंट्रोल सेंटर है वो आपको देखने को मिलेगा। अभी अगर आपको एंड्रॉइड वाला जो नोटिफिकेशन पैनल वो चाहिए उसके लिए आप लेफ्ट से ऐसे स्वाइप कर सकते हो, आपका जो नॉर्मल एंड्रॉइड वाला नोटिफिकेशन पैनल है वो आ जाएगा और राइट से स्वाइप करने से आपका जो iOS वाला कंट्रोल सेंटर है वो आएगा। अभी देखो थीम तो आपने अप्लाई कर लिया, 5 मिनट यूज करने के बाद आपको इस तरह एक 5 मिनट ट्रेल इरोर देखने को मिलेगा। ये इरोर तभी आता है दोस्तों जब आप थर्ड पार्टी या फिर थीम स्टोर का कोई पेड थीम इंस्टॉल करते हो। तो इसको बाईपास करने के लिए अगर आपके फोन में एंड्रॉइड 13 है बहुत आसान है, आपको अपने थीम स्टोर के ऐप इन्फो पर जाना है, देन थोड़ा ही नीचे आपको जो ये डिस्प्ले ओवर अदर एप्स वाला ऑप्शन है इसके अंदर जाके इसे ऑफ कर देना है, देन ये जो 5 मिनट ट्रायल एरर का पॉपअप है ये कभी नहीं आएगा। और अगर आपके फोन में एंड्रॉइड 10, 11, 12 है तो आपका ये प्रोसेस काम नहीं करेगा। आप कैसे ये जो 5 मिनट ट्रायल बाईपास कर पाओगे उसके ऊपर हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है जिसका लिंक आई बटन पर मिल जाएगा, तो उसको आप चेकआउट कर सकते हो। यह था आज का वीडियो दोस्तों, यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना यार, इससे हमें काफी मोटिवेशन मिलते हैं और आपके लिए ऐसे ही कमल के थीम्स बना के ला पाता हूँ। चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्दी एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।